जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, हम अपने फिजिक्स का लेक्चर पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर थे। और लास्ट लेक्चर में बेटा हमने उसके साउंड के बारे में इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर था, उसमें हमने एक्टिविटीज को डिस्कस किया था। और बेटा अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि साउंड की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी खसूसियत होती है। तो बेटा लेट स्टार्ट, हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। बेटा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है ना, जो साउंड की करैक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली वो हैं 3। नंबर 1 इज लाउडनेस, नंबर 2 इज पिच, नंबर 3 इज क्वालिटी। बेटा ये इसकी 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं जो के साउंड की होती हैं, जिसमें एक साउंड लाउडनेस है, पिच है और क्वांटिटी है, क्वालिटी सॉरी। तो बेटा इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। आज जो है हमारे पास सबसे पहले डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है लाउडनेस। बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करेंगे। लाउडनेस क्या है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अब हम उसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लाउडनेस। बेटा जो लाउडनेस होती है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा, लाउडनेस जो होती है ना बेटा, वो ऐसी करैक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम फेंट, मध्यम और ऊंचे आवाज के दरमियान में फर्क क्रिएट कर लेते हैं। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसी करैक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम मध्यम और मध्यम मतलब हल्की आवाज और ऊंची आवाज के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, फर्क क्रिएट कर लेते हैं। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फेंट कहते हैं मध्यम एंड लाउड। फेंट एंड लाउड साउंड के दरमियान में जो फर्क है वो लाउडनेस क्रिएट करती है। अब हम इसकी एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। अब देखना, फेंट एग्जाम्पल, फेंट साउंड की मैं एग्जाम्पल देता हूं और एक लाउड एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं गिटार को प्लग करूं, गिटार प्लग्स मोर वायलेंटली का मतलब है शिद्दत से अगर इसको प्लग किया जाए तो आपको जो गिटार से आवाज आएगी वो बहुत ऊंची आवाज सुनाई देगी। ये थी कौन सी आवाज, लाउड साउंड। या आप लोग इसकी जगह एग्जांपल लिख सकते हो, अगर एक मेरे पास बड़ा ड्रम है, मैं उसको ढोल को बजा रहा हूं, उस ड्रम को बजा रहा हूं, तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होगी वो लाउड आवाज प्रोड्यूस होगी। इसके मुकाबले में अगर छोटी ढोलकी ली जाए, अगर मैं स्मॉल इसी के मुकाबले में, गिटार के मुकाबले में अगर छोटा ढोल ले लूं, स्मॉल ड्रम ले लेंगे, जब इसको हम बीट करेंगे तो इससे प्रोड्यूस होने वाला साउंड बहुत मध्यम होगा, थोड़ी आवाज आएगी, लेकिन गिटार से ज्यादा आवाज आएगी। तो ये थी एग्जांपल बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया, इसके कुछ ग्राफ भी हैं, वो ग्राफ यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं। लाउड साउंड का जो ग्राफ है और जो किसका फेंट साउंड का जो ग्राफ है, लाउड साउंड और ये है फेंट साउंड। बेटा अभी हम ये देखते हैं कि ये किस तरह वेरी कर रहे हैं। यहां पर हमने ले लिया हुआ है एम्पलीट्यूड इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे टाइम ले लिया, इस एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड ले लिया। ये था फॉर लाउड साउंड के लिए और ये था फॉर फेंट साउंड के लिए।
फेंट साउंड इस तरह का होता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ा होता है। लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या चीजें, इसके फैक्टर्स को, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है साउंड। सबसे पहले बेटा इसके नंबर वन जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। बेटा जो लाउडनेस है वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के डायरेक्ट रिलेशन में है। आप लोगों ने इस तरह लिखना भी है, लिखना भी आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में बुक पे लिख लेना, या आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन कर ले हो तो कर रहे हो तो ये आप लोगों ने लाजमी एक्सप्रेशन लिखना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका क्या मतलब है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा ऊंची आवाज पैदा होगी सोर्स से। ये एरिया किस चीज का है, एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी है, जिसको हम बीट कर रहे हैं, या ये सोर्स ऑफ साउंड है जहां से आवाज आ रही है। अब इसको हम एक दफा एग्जांपल से समझते हैं बेटा, एग्जांपल से समझते हैं। एक लार्ज ड्रम के, लार्ज ड्रम ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल ड्रम ले लेते हैं। तो बेटा बताओ किसकी किसका एरिया ज्यादा है, लार्ज ड्रम वाले का ज्यादा एरिया, उसका एरिया ज्यादा होगा जब उसको बीट किया जाएगा उसी शिद्दत से, तो उसकी वजह से जो लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, जो आवाज प्रोड्यूस होगी वो बहुत हाई प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब जो लार्ज ड्रम है उसका एरिया ज्यादा है, उसका एरिया ज्यादा है तो उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। ये मैं इस तरह आप लोगों को एरो हेड से शो करवा रहा हूं कि इसका एरिया ज्यादा है तो इसकी लाउडनेस भी हाई है। अब इसका एरिया कम है, इसी तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि डोल की, छोटी डोल की ले लो, तो उसका एरिया कम है, जब उसको बीट किया जाएगा तो उसकी आवाज बहुत थोड़ी होगी। जिस तरह ये उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ, उसकी आवाज का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, जो लार्ज ड्रम की वजह से प्रोड्यूस होगा वो इस तरह का होगा। तो मतलब एरिया कम तो लाउडनेस भी कम, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है। ये आप लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ी हुई है, अगर डायरेक्ट रिलेशन में हो तो एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और अगर एक चीज कम हो रही हो तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बेटा जो दूसरा फैक्टर है इसका वो है डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होती जाएगी। ये बड़ी मजेदार बात है कि लाउडनेस जो है वो इनवर्स रिलेशन में आ रही है, किसके, वाइब्रेटिंग बॉडी के। लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वो डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में आ रही है। इट मींस दैट अगर हम एज वी मूव फार्दर फ्रॉम सोर्स, लाउडनेस विल बी डिक्रीज, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यह है वाइस वर्सा का ये बेटा मतलब है कि अगर एक चीज कम हो रही है जिस रिलेशन में ऊपर, अगर मैं एक चीज को कम कर दूं दूसरी बढ़ जाएगी, अगर दूसरी कम दूसरी को कम कर दूं तो पहली वाली बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जितना ज्यादा सोर्स से बढ़ता जाएगा उतनी लाउडनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, अगर सोर्स को, सोर्स में ये रख रहा हूं, सोर्स से डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, ये डी है डिस्टेंस, जितना बढ़ता जाएगा लाउडनेस उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतनी ही लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गई। द थर्ड फैक्टर इज दैट, ये आप लोगों को उसने उसने एग्जांपल दी होगी इसकी, गिटार की। अगर गिटार बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं,
इसकी एग्जांपल जो है वो है ड्रम की। अगर ड्रम कोई बीट कर रहा है तो उसके पास खड़े होंगे तो हमारे कान वॉयलेंटली जिसे कहते हैं आम जुबान में फट रहे होंगे। तो मतलब कि बहुत लाउडनेस उस एरिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह हम सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाते जाएंगे तो उसकी लाउडनेस का जो इफेक्ट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। तो बेटा हमारा जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग के बॉडी के भी इन डायरेक्ट रिलेशन में होता है, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, लाउडनेस होगी। अब इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं। जिस तरह हमारे पास एक लार्ज ड्रम था और एक स्मॉल ड्रम था, स्मॉल ड्रम की वजह से देखो कैसी लाउड कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ऑफ हायर वेवलेंथ। यही मैं यहां पर भी कोट करता हूं आप लोगों को, ये देखो इसके एम्पलीट्यूड क्या है, यहां पर हायर है। ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज ड्रम वाला। इसी के मुकाबले में अगर हम ले लें स्मॉल ड्रम वाला तो वो बहुत कम प्रोड्यूस करेगा वेवलेंथ, सॉरी बहुत कम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा। ये देखो इसके एम्पलीट्यूड है बहुत कम, इट मीन्स दैट कि ये है लाउड हायर एम्पलीट्यूड, हायर एम्पलीट्यूड वाली साउंड है और ये है लोअर एम्पलीट्यूड वाली साउंड। तो इसका मतलब इसकी लाउडनेस क्या थी, कम, और इसकी लाउडनेस क्या थी, इसकी लाउडनेस थी ज्यादा और इसकी लाउडनेस क्या थी, कम। ये इस बात से प्रूफ हो गया। और इसके बाद एग्जांपल भी उसमें इसने ड्रम की लिखी होगी या गिटार की लिखी होगी, सेम एज डिस्कशन में। तो बेटा आज का ये लेक्चर था हमारे यहां तक, हमने आज एक लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन को कंप्लीट किया है। यहां पे लिख लो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसमें आज हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड कौन कौन सी हैं, और आज हमने सबसे पहले वाली डिस्कस की वो है लाउडनेस। उसके बाद बेटा लाउडनेस को देखा, उसके फैक्टर्स को देखा कि वो क्या है, किस तरह डिफर हो रही होती है, किस तरह चेंज हो रही होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंडेंस हो रहे होते हैं। बेटा इसके बाद उसने ना एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा होगा कि जो लाउडनेस है ना वो फिजिकल कंडीशंस ऑफ एयर पे भी डिपेंड करती है, एयर मतलब कान। फिजिकल कंडीशंस ऑफ एयर मतलब फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ना बूढ़े लोग हैं उनके कानों की जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं होती जिस तरह एक जवान शख्स की, जवान इंसान की है। तो लाउडनेस बेटा एयर की फिजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है कि विद द पैसेज ऑफ टाउट विद द पैसेज ऑफ टाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा होता है, लाउडनेस कम होना शुरू हो जाती है हमारी साउंड की, इसकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।